हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में फायर रेस्क्यूअर FR का पेपर डिस्कस किया जाएगा। फायर रेस्क्यूअर का ये पेपर 25 अक्टूबर 2020 को मुनक्किद हुआ है। ये पेपर आज ही हमें मौसूल हुआ है, जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पेपर को कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा और कोशिश होगी कि हर क्वेश्चन की शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जाए। वीवर जी, ये पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड पेपर है। पेपर क्योंकि काफी डिम है, रीडेबल नहीं है, इसलिए इसे हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे। वीवर, इसके अलावा अगर मजीद पेपर्स की तैयारी आप करना चाहते हैं तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर फायर रेस्क्यूअर और लीड फायर रेस्क्यूअर की तैयारी के लिए डाटा मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेटा वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ ग्रेट अर्थक्वेक ऑन। क्वेटा में 31 मई 1935 को जलजला आया था, जिसकी वजह से तकरीबन क्वेटा तमाम कंप्लीट क्वेटा जो है तबाह हो गया था। व्यूअर्स, पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो सिर्फ इतना है। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये मजीद पेपर्स की तैयारी के लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके फर्दर 2-3 क्वेश्चन तैयार हो सकें। व्यूअर्स, 31 मई 1935 को सुबह 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के दरमियान जलजला आया। इस जलजले से तकरीबन 60,000 लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल एरिया ऑफ फाटा इज। फाटा का जो टोटल रकबा है वो 27,220 किलोमीटर स्क्वेयर है। वीवर्स, ये फायर रेस्क्यूर के पेपर में फाटा का रकबा पूछा गया है, जबकि EMT का जो पेपर मुनक्किद हुआ है 25 अक्टूबर को, उसमें पंजाब का रकबा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब। सरदार अब्दुल रब निश्तर पंजाब के गवर्नर थे। 1949 में सरदार अब्दुल रब निश्तर को पंजाब का गवर्नर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तहरीक खिलाफत के जो बानी थे वो मोहम्मद अली जोहर थे। तहरीक खिलाफत 1919 में मौलाना मोहम्मद अली जोहर ने शुरू की और 1924 में ये तहरीक खत्म हुई। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द सेकंड सन ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दूसरा बेटा कौन सा था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी उस वक्त इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे हैं वो इसहाक अलैहिस्सलाम है। इसे आप मजीद वेरीफाई करना चाहें तो सूरा सफात की आयत नंबर 101 की तफसीर में इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वहां से आपको अहदीस का हवाला मिलेगा। वीवर, जिसके अलावा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां, जिनमें एक हाजरा अलैहिस्सलाम और दूसरी सारा अलैहिस्सलाम थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए और इसहाक अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 6, सदीक एंड डैश द टाइटल गिवन टू अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। अतीक, सदीक और अतीक, ये अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लकब हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट वही केम ऑन। आखिरी वही जुलहिज्जा के महीने में नाजिल हुई थी, इसलिए जो तीनों ऑप्शन हैं ये रोंग हैं। नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके, क्योंकि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ जॉब्स की तैयारी के लिए डाटा प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मस्जिद खीफ इज लोकेटेड इन। मस्जिद खीफ मीना में वाकया है। क्वेश्चन नंबर 9, द डैश रोमन गवर्नर ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम।
पोलिटस। पोलिटस रोमन के गवर्नर ने ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने का हुक्म दिया। क्वेश्चन नंबर 10, डैश वाज द ब्रदर ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम। हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग अमंग द अशरा मुबशरा। तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा सहाबी है जो अशरा मुबशरा में शामिल है। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अनु अशरा मुबशरा में से हैं। वीवर अशरा मुबशरा वो 10 सहाबी हैं जिन्हें जिंदगी में ही जन्नती होने की बशारत दी गई। उन 10 सहाबी में जिनका जिक्र है उनके नाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनु, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अनु, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अनु, अली रजी अल्लाह तआला अनु, तलहा रजी अल्लाह तआला अनु, जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अनु, अबू उबैद बिन जर्रा रजी अल्लाह तआला अनु, अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अनु, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अनु, सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अनु शामिल हैं। ये 10 सहाबी हैं जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं। इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत से पेपर्स में मुख्तलिफ सहाबा किराम का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, द माउंटेन ऑफ मेटल डैश फ्लोड फॉर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एज अ मिरेकल। कॉपर, खाली जगह में कॉपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन 9th ज़िलहज डैश खुतबा इज डिलीवर्ड एट निमरा मॉस्क। 9 ज़िलहज को दूसरा खुतबा मस्जिद निमरा में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ओहद इज लोकेटेड डैश माइल्स अवे फ्रॉम मदीना। ओहद पहाड़ मदीना से 3 मील के फासले पर वाक्या है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इस्टेब्लिश्ड द ऑफिस ऑफ द काजी। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने काजी का दफ्तर अदालत कायम की। इसके अलावा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने दौरे हुकूमत में दफाई निज़ाम को भी बेहतर बनाया। पुलिस आर्मी से रिलेटेड जो उस वक़्त नफरी तैयार हो सकती थी, फौज तैयार हो सकती थी, वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने की दफाई सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत से इकदाम उठाए। क्वेश्चन नंबर 16, द लिटरल मीनिंग ऑफ अजवाजुल मुतहरात। अजवाजुल मुतहरात का लघवी मतलब क्या है? अजवाजुल मुतहरात का लघवी मतलब द प्योर वाइफ्स या द प्योरिफाइड वाइफ्स, ये दोनों मीनिंग बनते हैं। इसमें से आपने जो भी टिक किया है पेपर में वो ठीक कंसिडर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इमाम दारुल हिजरात वाज द टाइटल ऑफ इमाम मालिक। क्वेश्चन नंबर 18, द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद। जिहाद की लघवी मायनी है स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी स्टेजेस द कुरान कंटेन्स। कुरान मजीद में मनाजिल की तादाद 7 है। व्यूअर्स, इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कुछ इस तरह है कि सूरा कुरान मजीद में टोटल कुल सूरा की तादाद 114 है, कुरान मजीद में कुल पारों की तादाद 30 है, कुरान मजीद में टोटल सजदे 15 हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ डिकोटी इन इस्लाम। डिकोटी मीन जिसे हम उर्दू में डकैती कहते हैं, डकैती। इस्लाम में डकैती की सजा क्या है? इस्लाम में डकैती की सजा है कि हाथ काट दिया जाए। इन तीनों ऑप्शन में ये मौजूद नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज को हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, देर आर डैश मक्की सूराज इन कुरान। कुरान मजीद में मक्की सूरा की तादाद 86 है जबकि मदनी सूरा की तादाद 28 है। मक्की सूरा से मुराद वो सूरा है जो मक्का में नाजिल हुई और मदनी सूरा से मुराद वो सूरा है जो मदीना में नाजिल हुई। क्वेश्चन नंबर 22, फैसल मस्जिद वाज ओपन फॉर पब्लिक ऑन। फैसल मस्जिद आम पब्लिक के लिए 1986 में ओपन की गई। नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि 1986 ऑप्शन में मौजूद नहीं है। 1986 में आम पब्लिक के लिए फैसल मस्जिद को खोला गया जबकि फैसल मस्जिद में जो पहली नमाज अदा की गई वो 18 जून 1988 को अदा की गई। क्वेश्चन नंबर 23,
द एज ऑफ अली रजी अल्लाह तआला अनहु वाज, अली रजी अल्लाह तआला अनहु की उम्र 63 साल थी। व्यूअर्स यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैंने इसको सर्च किया इस क्वेश्चन को, मुख्तलिफ जगह पे मुझे 62 ईयर्स मिला है, मुख्तलिफ जगह पे 63। इसलिए आपको जो करेक्ट आंसर पता हो, वेरीफाई हो, तस्दीक की हो आपने, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अली रजी अल्लाह तआला अनहु की उम्र कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत है, पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी केटू है, और दुनिया की जो दूसरी बुलंद तरीन चोटी है वो केटू है। दुनिया में केटू दूसरे नंबर पे बुलंद तरीन चोटी है और पाकिस्तान में पहले नंबर पे, और पाकिस्तान में जो दूसरे नंबर पे बुलंद तरीन चोटी है वो नांगा पर्वत है। वीवर्स इसके अलावा एशिया में जो 14 बड़ी माउंटेन्स हैं उनमें से 5 बड़ी माउंटेन्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पाकिस्तान्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटीज। पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कराची है। वीवर्स कराची शहर जो है ये रकबे के एतबार से भी सबसे बड़ा शहर है, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रकबे के लिहाज से जो सबसे बड़ा जिला है वो चागी है। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे बड़ा सिटी कौन सा है रकबे के लिहाज से, तो आपने कराची को टिक करना है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो आपने चागी को टिक करना है। सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, ये इसमें डिफरेंस है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, When Hunza became the part of Pakistan, Hunza पाकिस्तान का हिस्सा बना 1974 में। क्वेश्चन नंबर 27, What is the meaning of Pakistan? पाकिस्तान का मतलब है होली लैंड, पाक जमीन। क्वेश्चन नंबर 28, The करेंसी ऑफ पाकिस्तान इज रुपी, पाकिस्तान की करेंसी रुपया है। क्वेश्चन नंबर 29, The standard time of Pakistan is 5 hours ahead from Greenwich Mean Time. पाकिस्तान का जो टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे पीछे है। क्वेश्चन नंबर 30, विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। वो कौन सा पास है, वो कौन सा दर्रा है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है? खैबर पास, खैबर पास पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है। ये क्वेश्चन 25 अक्टूबर 2020 के EMT के पेपर में भी आया है। क्वेश्चन नंबर 31, UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, UNOMOGIP, ये UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का मुखफ्फफ है, वाज फॉर्म्ड बाय UNO इन द ईयर ऑफ 1949। क्वेश्चन नंबर 32, हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948 को कायम किया गया, और 1 जुलाई 1948 को ही इसका इफ्तिताह हुआ, और 1 जुलाई 1948 को ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काम स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 33, The 1973 Constitution of Pakistan came into force in। पाकिस्तान का आईन 1973 किस डेट को नाफिजुल अमल हुआ? पाकिस्तान का 1973 का आईन 14 अगस्त 1973 को नाफिजुल अमल हुआ। वीवर्स ये आईन 10 अप्रैल 1973 को पास हुआ था, 14 अप्रैल 1973 को नाफिजुल अमल हुआ। 1973 के आईन को जुल्फकार अली भुट्टो ने असेंबली में पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 34, पाकिस्तान स्टील मिल इज लोकेटेड इन। पाकिस्तान स्टील मिल कराची में वाकया है। पाकिस्तान स्टील मिल की बुनियाद, पाकिस्तान स्टील मिल को 2 जुलाई 1973 को कायम किया गया। जी वीवर, इसके साथ ही हमें इजाजत दी है, चंद क्वेश्चन थे जो हमें मौसूल हुए थे और आपके साथ डिस्कस किए हैं। किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो हमारी स्ट्रगल पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।